हेल्दी लाइफ का लंबा सफर, छोटी गोलियां बड़ा असर। चिकित्सा शास्त्र की कुशलता सीमाबद्ध है, परंतु उस महान चिकित्सक के शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। उसके लिए कोई रोग असाध्य नहीं है। अतः श्रद्धा रखिए और दवाइयों का इस्तेमाल करते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं हैप्पी होम्योपैथिक फैमिलीज का हेल्दी सफर, छोटी गोलियां बड़ा असर, डॉक्टर ए के द्विवेदी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर ए के द्विवेदी की 50 मिलीसीमल पोटेंसी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज। और आज की सक्सेस स्टोरी है फिस्टुला पर होम्योपैथी की सक्सेस की। फिस्टुला एक गंभीर बीमारी है जिसे ग्रसित व्यक्ति का जीना दूभर हो जाता है। उसे उठने बैठने तक में तकलीफ होती है और खाने पीने में भी परहेज करना पड़ता है। दोस्तों, आइए आज हम आपको मिलवाते हैं केशव वानखेड़े जी से, जो बालाघाट के निवासी हैं। इन्हें फिस्टुला की समस्या है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्हें होम्योपैथी से कैसे आराम मिला। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम केशव वानखेड़े है। मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ, पर मैं फिलहाल यहाँ आया हूँ अपने बच्चे के पास, यहीं रहना हो गया है मेरा। मुझे फिस्टुला की शिकायत है। मैंने एलोपैथिक भी इलाज कराया, पर मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप ऑपरेशन के बिना अच्छे नहीं हो सकते, पर मुझे ऑपरेशन कराना नहीं था। फिर मैंने श्रीमान जी का नाम पढ़ा, द्विवेदी साहब का, तो फिर मैं यहाँ आया सर। और मुझे अभी एक ही हफ्ता हुआ है, मुझे आराम हो गया फिस्टुला में। अभी मैंने दवाई ली है, अब इसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको जल्दी आराम हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो आइए अब जानते हैं डॉक्टर ए के द्विवेदी से कि फिस्टुला किस तरह की बीमारी है, इसके क्या लक्षण होते हैं और होम्योपैथी चिकित्सा इस बीमारी पे कैसे फायदेमंद है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज मैं जिस बीमारी के लिए बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम सुनते ही आधे से ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं या डर जाते हैं। जी दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसको हो जाए उसके दुख के बारे में आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसे ही मिस्टर केशव वानखेड़े जी, जो कि बालाघाट के रहने वाले हैं, पिछले 10-15 वर्षों से फिस्टुला नामक बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि फिस्टुला के इलाज के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, सभी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया और जिसने जो जो बोला वो किया, लेकिन उनको आराम नहीं मिला। उन्हें पुनः किसी ने ऑपरेशन के लिए सलाह दिया, लेकिन अब वे ऑपरेशन के लिए जाना नहीं चाहते थे। वे मेरे पास आए और बहुत ही द्रवित होकर के मुझे बोले कि डॉक्टर साहब, मुझे फिस्टुला की बीमारी हो गई है। मैंने उन्हें समझाया कि फिस्टुला एक गंभीर समस्या है। दोस्तों, फिस्टुला क्या होता है कि हमारे लैट्रिन का जो रास्ता है उसके पास में जो दूसरा छिद्र बन जाता है, उसके कारण मवाद जैसा निकलने लगता है और हम डेली जब लैट्रिन के लिए जाते हैं तो यह बीमारी और भी बढ़ जाती है। यह तो वही बात हुई कि घाव को रोज़ रोज़ कुरेदना। जिस घाव को आप रोज़ रोज़ कुरेदेंगे वह कैसे ठीक हो सकता है। इसीलिए फिस्टुला ऑपरेशन से या दवाइयों से जल्दी ठीक नहीं होता है। मैंने उन्हें बताया कि यदि आप लगातार होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करेंगे तो इसमें शीघ्र ही आपको परिणाम मिलने लगेंगे। केशव जी ने हमारे ऊपर विश्वास किया और उन्होंने होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन भी किया, और मैंने जो उन्हें 50 मिलीसीमल पोटेंसी की होम्योपैथिक दवाइयाँ दिया उससे उन्हें काफ़ी कम समय में ही राहत महसूस होने लगी। और आज ये हाल है कि दवाई देने से उन्हें काफ़ी आराम है और उनकी परेशानी बहुत कम हो गई है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कितनी भी जटिल समस्या क्यों ना हो, आप घबराएं नहीं। आधी बीमारी तो आपके घबराने से ही बढ़ जाती है। बीमारियों से हमें लड़ना है और उसको ख़त्म करना है। यदि हम पहले ही घबरा जाएंगे बीमारी के नाम से तो वो क्या ठीक होगी। इसी तरह से केशव जी ने प्रयास किया, उन्होंने होम्योपैथिक दवाई लिया और होम्योपैथी के 50 मिलीसीमल पोटेंसी की दवाइयों से उन्हें काफ़ी आराम हो गया और उनका इलाज सतत जारी है। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि यदि वे लगातार होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करेंगे तो उन्हें शीघ्र ही उनकी बीमारी में आशानुरूप परिणाम मिल सकेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको भी यह बताना चाहता हूँ कि पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, चाहे पाइल्स हो, फिसर हो, फिस्टुला हो,
या मुंह के छाले हो या एसिडिटी हो, इस तरह की जो भी समस्या है उसके लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं। आप होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करें, आपकी अपच या एसिडिटी या बर्न या गैस की जो समस्या है उसमें काफ़ी शीघ्र परिणाम मिल जाता है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि उनको हाइटस हर्निया हो गया या एसिड रिफ्लक्स हो गया, या कुछ लोग बताते हैं कि उनको पेट की ऐसी बीमारी हो गई है जिसके लिए डॉक्टर ने बोला कि ठीक ही नहीं होगी, खास करके अमीबियासिस या आईबीएस। इस तरह के सभी बीमारियों पे मुझे होम्योपैथिक दवाइयों से काफ़ी बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। तो आप भी आपकी पेट से संबंधित सभी बीमारियों के लिए होम्योपैथिक इलाज लेने का प्रयास करें। होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको एसिडिटी या बर्न ऐसा कुछ भी नहीं कराती हैं, इसको लेने में भी काफ़ी सुविधा रहती है। यदि आपको ब्लड शुगर की समस्या है उसमें भी आप होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। हम ब्लड शुगर वाले मरीजों को डिस्टिल्ड वाटर में होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं, जिससे और अधिक शुगर बढ़ने की संभावना ख़त्म हो जाती है और उनके स्वास्थ्य में काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो आपकी समस्या को होम्योपैथिक चिकित्सक से पूरा डिस्कस करें और उनकी दवाइयों का प्रयोग करें, उनके बताए अनुसार आपको अवश्य आराम मिलेगा। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर एके द्विवेदी, जिन्होंने हमें बताया कि फिस्टुला और फिस्टुला जैसी कई अन्य बीमारियों को होम्योपैथिक चिकित्सा द्वारा दूर किया जा सकता है। सो दोस्तों, होम्योपैथी को इस्तेमाल करें, होम्योपैथी पे भरोसा करें और अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। और देखते रहिए हैप्पी होम्योपैथिक फैमिली इसका हेल्दी सफर, छोटी गोलियां बड़ा असर, डॉक्टर ए के द्विवेदी के यूट्यूब चैनल पर। टेक केयर। एडवांस होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, मयंक अपार्टमेंट, मनोरमागंज, गीता भवन मंदिर रोड, इंदौर। मोबाइल 9826042287, 9424083040।